कि हम बचाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श से निखार उभारेंगे तुझे, अपनी शहरत का लहू दे के सींचेंगे तुझे, दार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे, राह इमदाद की देखें ये भले तौर नहीं, हम भगत सिंह के साथी हैं कोई और नहीं। पूर्वी कोयली अहिर गरंजा पांग निषाद बल्ला कुमार लोहार न्याय मोची इन जातियों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा और चेतना से दूर रहे, रखे गए, उनके नहीं रखे गए, और उनके बच्चे जब घर में पढ़ने लायक होते हैं तो अचानक एक व्यक्ति मोहल्ले का आता है और ये कहता है कि अरे बच्चा पढ़ लिख कर क्या बनेगा, अरे इसको काम में लगाओ, परिवार आगे बढ़ाएगा, और अपना बच्चा नालायक भी हो तो उसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय भेजेगा, पैसा हुआ तो विदेश भेजेगा। ये जो कल्चरल हेजमनी है उसको पहचानने का काम किया था बीपी मंडल ने, और इसलिए बीपी मंडल ने कहा सरकार की जिम्मेदारी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम करे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए, बिना शिक्षा के उम्र कभी बराबर नहीं हो सकता। बीपी मंडल का एक कोटेशन है कि समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है, असमान लोगों के बीच कोई भी समानता नहीं हो सकती, उसका एक विचार का नाम है बीपी मंडल ने। और तब बीपी मंडल ने कहा कि इस देश में मुल्क की 52% आबादी उच्च वर्ग की नौकरियों में कितनी 3-4% भी नहीं, मध्य वर्ग की नौकरियों में कितनी 5-6% भी नहीं, और ग्रेड डी की नौकरियों में 10% भी नहीं। आबादी कितनी है 52%, उनके लोग इस मुल्क को चलाने में कहां है 2-3% पोस्ट, केवल 3% लोगों की आबादी के लोगों के पास है, इसलिए जाति जनगणना नहीं कराई जा रही। ये जो अवैध कब्जा है ये खुलकर सामने आ जाएगा तो गांव गांव से लोग, बल्ली सिंह चीमा ने कविता लिखी थी, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जिस दिन मंडल की ये लड़ाई गांव में पहुंच गई, मंडल की राजनीति में सांप्रदायिकता को खारिज किया था और आज सांप्रदायिकता अपने उफान पर है, मुझे आज भी बीपी मंडल को याद करते हुए जो दृश्य नजर आ रहा है कि उस बुलडोजर को अगर कोई रोक सकता है तो उसके दोनों पहियों के सामने भारत का संविधान और मंडल कमीशन ही रोक सकता है, वरना कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और सभागार में मौजूद आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। जिस शहर ने मुझे बनाया है उस शहर की आबो हवा को सलाम करता हूँ। मैं इलाहाबाद में हूँ और मुझे खुशी है कि अभी भी इसे मंच से इलाहाबाद ही बोला जा रहा है। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और आप सभी सम्मानित लोगों ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्हें हम लोकप्रिय ढंग से बीपी मंडल के रूप में, और आज 25 अगस्त के दिन मैं उस इलाहाबाद में हूँ जहाँ अब तक हमने बहुत लंबे वक्त तक बतौर श्रोता बहुत सारे सम्मानित लोगों को सुना, उनसे सीखा, और इस सभागार में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है।
तो अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि दिल्ली की आबो हवा में, दिल्ली विश्वविद्यालय की आबो हवा में कुछ सामाजिक न्याय का ऐसा सुरूर है कि वहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई और लड़ी जा रही है। मैं तो ये समझता हूं कि वो उसका बीज इलाहाबाद में मौजूद है और वहीं से हमने बहुत कुछ सीखा। और जब इस तरह का सम्मान मिलता है कि आप अपने शहर में कमोबेश परिचित लोगों और अपने वरिष्ठ लोगों के सामने इतना सम्मान पाते हैं, तो एक दबाव काम करता है। बहुत बड़े बड़े मंचों पर वो दबाव नहीं होता है। जैसे मैं पहले जब गाड़ी चलाना सीखता था तो अकेले में बहुत अच्छी गाड़ी चलाता था, और जब पिताजी बगल में बैठ जाते थे तो हाथ कांपते थे। वैसा ही कुछ महसूस हो रहा है इलाहाबाद के इस मंच पर खड़े होकर। और अभी अजीत जी बैठे हुए हैं, मैं आपको खासकर इसलिए याद कर रहा हूं कि जब 2005 में आप यहां के अध्यक्ष थे, उस समय मैं बीए सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था, और उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अजीत जी को याद होगा, राजनीति से हमें भी ये सिखाकर बोला गया था घर से कि इलाहाबाद जा रहे हो तो केवल और केवल पढ़ाई करना, राजनीति से दूर रहना, इस शर्त के साथ भेजा गया था। तो अमूमन हम लोग दूर रहते थे, छात्र संघ भवन से भी दूर से गुजरते थे। लेकिन वो जो एक चुनाव था, उस चुनाव में जब दक्षता भाषण हो रहा था और वहां एक आवाज गूंजती हुई मुझे सुनाई दी कि हम बचाएंगे सजाएंगे संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श से निखार उभारेंगे तुझे, अपनी शहरत का लहू दे के सींचेंगे तुझे, दार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे, राह इमदाद की देखें ये भले तौर नहीं, हम भगत सिंह के साथी हैं कोई और नहीं। उस एक भाषण ने मुझे उस तरफ आकर्षित किया, और देखा तो वो शख्स जो भाषण दे रहा था कैफी आजमी की इस नज्म के बहाने, और उसी के कुछ दिन बाद अर्जुन सिंह जी को विश्वविद्यालय बुलाया गया था, अगर मैं सही हूं तो। अच्छा, और उस समय जब हमें नहीं पता था, क्योंकि हमें तो सिखाकर भेजा गया था केवल और केवल पढ़ाई करना है, तो वो पता नहीं था कि ये जो इस समय विश्वविद्यालय में हलचल हो रही है या जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो किस बात की लड़ाई है। लेकिन उसका लाभ हमें एमए में एडमिशन के दौरान मिला। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी करने गए तब तक भी समझ में नहीं आया, जाना तो तक चाहते थे जेएनयू, एडमिशन नहीं हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय गए। और मेरिट में आने के बाद भी जब हमें ओबीसी कैटेगरी में रखा गया तो पहली बार इस बात पर ध्यान गया कि हमसे कम नंबर वाले भी यूआर में हैं और हम ओबीसी में क्यों हैं। और जब इस बात को पढ़ते समझते वक्त लगा तो बहुत बाद में समझ में आया कि आज जहां भी हम या हमारे जैसे अनगिनत लोग पहुंचे, वो कभी नहीं पहुंच पाते अगर इस मुल्क में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू न हुआ। हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन यह बात समझने में बहुत वक्त लगा। और आज इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कबूल करता हूं, और सबसे बड़ी चिंता भी मेरी यही है कि जिस रास्ते जिस सीढ़ी पर चलकर हम जैसे जाने कितने लोगों ने, जो उनके पुरखों ने ख्वाब देखा था, हमारे पूर्वजों के हाथ में श्रम करने वाले हथियार हुआ करते थे, कुदाल फावड़े से लेकर हाथ से श्रम करने वाली चीजें, जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं,
जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया ताकि हमारे हाथ से वो कुदाल फावड़ा और हल छूटे, कलम और किताब हाथ में आए ताकि हम इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकें। इसलिए मैं आज बीपी मंडल को याद करते हुए अपनी उस पूरी विरासत की जड़ों को महसूस कर रहा हूं कि अगर बीपी मंडल या इन जैसे जाने कितने लोग न होते तो हमारा भी मुस्तकबिल वही होता और हम कहीं उस भीड़ में खोए हुए केवल संख्या बनकर रह जाते और इस मुल्क में हुक्मरान वही बनते जो मुख से पैदा हुए थे, जो भुजाओं से पैदा हुए थे। और मुझे याद आ रहा है बीपी मंडल को याद करते हुए इस मंच से याद किया गया विश्वनाथ प्रताप सिंह को। 7 अगस्त 1990 इस बात की घोषणा की मंडल लागू होगा। 9 अगस्त 13 अगस्त होते हुए जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बीपी सिंह ने यह भाषण दिया कि मैंने इस मुल्क का राजनीति का व्याकरण बदल दिया है, अब एक ऐसे बच्चे का जन्म हो गया है जिसे वापस मां के पेट में कभी नहीं डाला जा सकता। वो काम कामयाब नहीं हो पाता अगर बीपी मंडल ने बहुत मेहनत से, बहुत तर्क के साथ वो दस्तावेज न तैयार किया होता जिसे चुनौती देने के लिए संविधान पीठ के 9 जजेस की बेंच बैठी। बीपी मंडल को याद करते हुए सबसे आसान भाषण वो होगा और हम जैसे पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के लिए तो और आसान होगा कि जितना बीपी मंडल के बारे में जानते हैं उसको बताएं और आपकी तालियां लें। मगर मैं इसका उपयोग इस रूप में नहीं करूंगा, मैं उसे आज की चुनौतियों से जोड़कर उस दिशा में अपनी बात रखना चाहूंगा कि आज से 20 साल 25 साल बाद जब इस मुल्क की आजादी के 100 साल पूरे हों तो कहीं ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ियां भूल जाएं कि कोई बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी था। वो खतरा हमारे सामने है। मंडल लागू हुआ, आंदोलन करना पड़ा। मंडल लागू होने के बाद मंडल बचा रहे, आंदोलन करना पड़ा। लाठियां खाई तमाम लोगों ने और 9 जजेस की बेंच बैठी, क्योंकि पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसने यह रिकमेंडेशन दे दिया था कि पिछड़ापन जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होता है। तो बीपी मंडल साहब के सामने यह चुनौती थी कि एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाए जिसमें पिछड़ेपन को बहुत तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति से व्याख्यायित किया जाए जिसे कोई खारिज न कर सके। इसलिए मैं उस शख्स को याद कर रहा हूं, मैं उस शख्स को याद कर रहा हूं इस मंच से जो जब बिहार का मुख्यमंत्री बना, अब इससे समझिएगा कि हम किस मुल्क के बाशिंदे हैं और यह बात आजादी के बाद की है। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो गंगा में चूंकि यातायात होता था जल परिवहन, तो तेल रिस गया और उसमें आग लग गई। विवेकानंद झा नाम के एक शख्स ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर भाषण दिया कि जब एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। और ये ऑन रिकॉर्ड है, बीपी मंडल साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, मगर तुम्हारे सीने में जो आग लगी है उसे मुझे और भड़काना है ताकि वो जारी रहे। उस बीपी मंडल को हम याद कर रहे हैं, उस बीपी मंडल को हम याद कर रहे हैं जिन्हें जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उस समाजवादी पृष्ठभूमि से निकले नेता थे, सामाजिक न्याय की वैचारिकी के नेता थे और उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट बनाई जिसे डॉक्टर अंबेडकर को अभी हमारे वरिष्ठ अतिथिगण कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा जो
दो तीन बड़े कारण थे। हिंदू कोड बिल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि इस देश की आधी आबादी से ज्यादा जो है उन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो कमीशन बनाने का 340 का अनुच्छेद है उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसकी नाराजगी में मैं इस कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं। और आजाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया कि वो केवल दलितों के नेता हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर तो चुनाव हार गए, उसके बाद ढंग से तो डॉक्टर अंबेडकर के भी चुनाव के पॉपुलर लीडर तो बने नहीं। और आजादी के बाद तो डॉक्टर अंबेडकर को जमीन में दफन करने की पूरी कोशिश की गई। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और जो बच्चे थे उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया गया कि इस देश को उस कश्ती को किसने निकाला था और कहां पहुंचाया था। उनमें थे बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार, जिनको आजादी के बाद दफन किया गया। पढ़ने ही नहीं दिया गया इस देश के बच्चों को, सिलेबस से बाहर। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत थोड़े से लोग थे जो इस वैचारिकी के रहे होंगे, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए, लेकिन एक पॉपुलर डिस्कोर्स में कहीं अंबेडकर, फूले, पेरियार थे ही नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं जो राजनीति में नाकामयाब हुआ, जो बहुत बड़ा कोई लीडर नहीं बना, जिसने इतनी संपत्ति शायद नहीं जुटाई कि ईडी और सीबीआई की रेड वेट पड़े, वैसे लोग जमीन में दफ नहीं हुए। आने वाली पीढ़ियों ने जब अपनी जड़ों की तरफ झांकने की कोशिश की तो उसमें से बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, अंबेडकर, फूले, पेरियार निकल कर आए, लमरोहर लोहिया निकल कर आए, और उनमें से है पीपी मंडल। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बीपी मंडल के पास जो विरासत थी वो विचारधारा की विरासत थी, और उस पर उन्होंने एक दस्तावेज बनाया। और उस दस्तावेज के नाते जब मंडल लागू हुआ तो मैं उस घटना को इस रूप में देखता हूं कि मंडल लागू होने के पहले का भारत कुछ और था, मंडल ने लागू होकर इस भारत का मुस्तकबिल बदल दिया। इसलिए विभाजन रेखा आजाद भारत की मंडल कमीशन का लागू होना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340, संविधान तो बन गया मगर लागू कहां हुआ? जैसे होता है कि संविधान लागू होने के वक्त किसने संविधान का विरोध किया था? इलाहाबाद के लोगों और बौद्धिक लोगों के बीच इशारा काफी है, तीन रंग का झंडा, हमारे यहां कहावत है भोजपुरी में, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वैसे कुछ लोग थे जिनके जहन में मनुस्मृति थी, उन्होंने तिरंगे को नकारा, भारत के संविधान को नकारा, जंगे आजादी को नकारा, उनके पुरखों ने माफीनामा लिखा, माफी मांग कर कहा कि हमें बाहर कर दीजिए, हम ताउम्र आपकी मदद करेंगे। आज वो लोग हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा। हम समाजवादी, अंबेडकरवादी, सामाजिक न्याय के विचारधारा के लोग पहले से तिरंगे को जीते हैं। हमारे घरों में पैसा नहीं हुआ करता था, स्कूल में जाते थे तो सफेद पन्ने के ऊपर गुड़हल का लाल वाला पत्ता रगड़ लिया, नीचे हरी पत्तियां रगड़ लिया, बांस की कैन पर लहराते हुए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गाकी गुण। तो जिसकी देशभक्ति खुद संदिग्ध थी आज वो सर्टिफिकेट बांट रहा है, ऐसे दौर में हम बीपी मंडल को याद कर रहे हैं। और इसलिए मैं बीपी मंडल को इस तरह से याद कर रहा हूं कि बहुत कोशिश हुई इस मुल्क में इस मुल्क के आईन का विरोध करने की, बहुत नापसंद किया भारत के संविधान को, और पहला संशोधन करवाया दक्षिण भारत के एक सामाजिक न्याय के पुरोधा ने। और जिस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 में 4 जोड़ा गया, अनुच्छेद 16 में 4 जोड़ा गया, वो सामाजिक न्याय का पुरोधा, इस मुल्क के सबसे पुरानी कौम चरवाहा समाज से आने वाले ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे जिन्होंने सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया था। लेकिन उस सब के बावजूद संविधान तो कबूल ही नहीं हुआ। इसलिए आज भी उस विचारधारा के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई बनकर खड़ा है तो वो भारत का संविधान है। इसलिए
उस भारत के संविधान के खिलाफ सारा काम हो रहा है, और ऐसे वक्त में आयोजकों को बधाई कि वो मंडल को याद कर रहे हैं। तो जो काम भारत के संविधान लागू होने के बाद अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के काम का जो आगाज किया था वो बीपी मंडल ने किया, और मंडल लागू हो पाया। क्या लिखा मंडल की कमीशन की रिकमेंडेशन में? 1931 की जनगणना को आधार बनाना पड़ा है। इस मुल्क में जाति जनगणना अगर नहीं होगी तो इस देश की आबादी को ढंग से हम नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए आपने विषय रखा है जाति जनगणना के सवाल को। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अपने शुरुआती अध्याय में यह बात लिखी है कि अगर इस मुल्क को मुकम्मल बनाना है तो सबसे पहले आपको जाति जनगणना करानी होगी, ताकि वैध डेटा मिले और ताकि पता चले किसने किसका हक खाया है और कौन सदियों सदियों से आरक्षण लेता रहा है। आज आरक्षण को गाली, बैसाखी है, भीख है, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो बीपी मंडल साहब ने कहा। और पूर्व के वक्ताओं ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मंडल अभी लागू भी कहां हुआ। बीपी मंडल को याद करना केवल उस शख्स को याद नहीं करना है, व्यक्ति बहुत पीछे छूट जाता है अगर वो विचारधारा पर न चले। बड़े बड़े लोगों की सरकारें बनी, सरकारें चली गईं, मगर विचारधारा पर जो कायम रहा वो 95-98 साल बाद वो सांस्कृतिक संगठन अपने लोगों को दिल्ली की कुर्सी पर बिठा कर कहता है कि आने वाले वक्त में हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। यह है विचारधारा की ताकत। हमारे लोगों ने विचारधारा से समझौता किया तो मंडल लागू नहीं हो पाया। और पहली बात उन्होंने कही थी कि जात जनगणना कराओ, वरना ये तो पता ही नहीं चलेगा कि किसको आरक्षण देना है। 1931 की जनगणना को आधार बनाया, नए एनएसएसओ और तमाम सर्वे का आधार बनाया। कितनी अनुशंसाएं थी मंडल की, आप लोगों को पता हो तो मुझे बताइए। इसीलिए मैंने कहा कि इलाहाबाद जो बौद्धिक और क्रांतिकारी जमीन है, कई बार तो संकोच होता है कि जितनी मेरी उम्र है उतना उम्र संघर्षों में बिता देने वाले लोग सामने खड़े होते हैं, मैं उनके सामने क्या ही बोलूंगा। बहुत वरिष्ठ लोग हैं, मैं केवल गुजारिश करने की शक्ल में अपनी बातचीत कर रहा हूं। उसमें से केवल एक लागू हुई 93 में, वो भी आधी अधूरी। बाद में मंडल पार्ट 2 की तरफ लागू किया अर्जुन सिंह के समय, और जिसका जिक्र भी हम लोग कर रहे थे, बहुत लड़ाइयां लड़ी गई उनको लागू करने की। लेकिन बाकी जो अनुशंसाएं थी उसको क्या वाकई ढंग से ओबीसी समाज को भी बताया गया? मेरी चिंता यह है। मैं इस मंच का इस्तेमाल, जिसकी सत्ता है लखनऊ से दिल्ली तक, उनकी आलोचना करते हुए बहुत तालियां बजवाने में कर सकता हूं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब मेरे लोगों के ऊपर आत्मालोकन न हो, ताकि आगे की दिशा न समझ में आए तो हम किसी की आलोचना करके कभी उनको परास्त नहीं कर सकते। हमें यह सोचना होगा कि चूक कहां हुई हमसे। वो चूक ये हुई कि मंडल लागू होने के बाद हमने ही अपने लोगों को यह नहीं बताया कि उन 40 अनुशंसाओं में क्या था। उसमें है जाति जनगणना, उसमें है प्रमोशन में रिजर्वेशन, उसमें है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, उन 40 अनुशंसाओं में है कि इस देश में सरकारी शिक्षा होगी। जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो पैसा कूड़े में जा रहा है। आमूल चूल बदलाव अगर शिक्षा व्यवस्था में नहीं हुआ तो इस देश में सामाजिक न्याय नहीं होगा। ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है। हर जिले में सरकारी स्कूल, हर जिले में सरकारी हॉस्टल, हर जिले में सरकारी कोचिंग, हर जिले में सरकारी फीस माफ के साथ पिछड़े तबके के लोगों को पढ़ाई का मौका मिले। मंडल ने और क्या लिखा था? मैं तो कई बार आश्चर्यचकित होता हूं साथियों कि कोई व्यक्ति कितना दूरदर्शी हो सकता है। हमारे आपके गांव में सब जानते हैं, कुछ लोग हैं जिनको मैं इशारे में बात करूंगा। कल मेरे पास इलाहाबाद के एक साथी का फोन आया, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शिकायत है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन बहुत गलत बोलते हैं। मैं समझ गया, हमने कहा आप पूरा नाम बताइए तो बात पुष्ट हो गई। उन्होंने कहा ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं? मैंने कहा मैंने कभी जीवन में ब्राह्मणों का विरोध किया तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं, आपकी बात ऐसे लगती है कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। मैंने कहा बहुत किया है, वही तो हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। और वो काम किया जो बीपी मंडल को समझ में आ गया, उस मंडल कमीशन के तमाम सदस्यों को समझ में आ गया। उन्होंने लिखा कि पिछड़े वर्ग के लोग
कुर्मी कोयरी अहिर गडरिया पाल निषाद मल्ला कुम्हार लुहार नाई मोची इन जातियों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा और चेतना से दूर रहे, रखे गए, दूर थे नहीं, रखे गए। और उनके बच्चे जब घर में पढ़ने लायक होते हैं तो अचानक एक व्यक्ति मोहल्ले का आता है और ये कहता है कि अरे बच्चा पढ़ लिख कर क्या बनेगा, अरे इसको काम में लगाओ, परिवार आगे बढ़ाएगा। और अपना बच्चा नालायक भी हो तो उसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय भेजेगा, पैसा हुआ तो विदेश भेजेगा। ये जो कल्चरल हेजमनी है उसको पहचानने का काम किया था बीपी मंडल ने। और इसलिए बीपी मंडल ने कहा सरकार की जिम्मेदारी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम करे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, बिना शिक्षा के ये मुल्क कभी बराबर नहीं हो सकता। कहां हमने अपने लोगों को मंडल के बारे में पढ़ने दिया? मंडल ने कहा मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कि इस देश में बराबरी तब तक नहीं हो सकती। और मंडल की सबसे बड़ी कोटेशन मैं याद करता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोटेशन जैसे है ना, एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, तो वैसे ही पीपी मंडल का एक कोटेशन है कि समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है, असमान लोगों के बीच कोई भी समानता नहीं हो सकती। उसका एक विचार का नाम है बीपी मंडल की मंडल कमीशन को। और तब बीपी मंडल ने कहा कि इस देश में, इस मुल्क की 52% आबादी उच्च वर्ग की नौकरियों में कितनी, 3-4% भी नहीं, मध्य वर्ग की नौकरियों में कितनी, 5-6% भी नहीं, और ग्रेड डी की नौकरियों में 10% भी नहीं। आबादी कितनी है, 52%। उनके लोग इस मुल्क को चलाने में कहां है, 2-3%। और जमीन का सवाल उठाया बीपी मंडल ने। मैं इसलिए बार बार सामाजिक न्याय को मैं आज भी कहता हूं, जैसे एक खास किस्म से इस मुल्क को ले जाने की बात की जा रही है ना, मंडल के विरोध में क्या आया, जोर से बोलिए, मंडल के विरोध में कमंडल आया, क्योंकि उनकी हिम्मत कुछ समय भी नहीं थी कि सीधे सामने आकर मंडल का विरोध कर सके, इसलिए कमंडल ले आए। उस कमंडल के रथ पर सवार होकर, और मैं आपको समसामयिक चीजें भी बताऊंगा, यह एक बौद्धिक मंच है, किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है। राजनीति को दिशा देने का काम समाज का होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को भी थोड़ी संकेतों में ही सही बात समझ में आए। मैं याद करता हूं कि मंडल के विरोध में जो कमंडल आया था उसके रथ का एक एक पहिया लहूलुहान था। वो पूरे मुल्क को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि उस दंगे में उनके लोग नहीं मारे जाएंगे। और वो रथ जब चला तो उस रथ को बिहार की क्रांतिकारी जमीन पर जिस नेता ने रोका, आज वो जेल में है। उसका गुनाह केवल और केवल इतना है कि उसने उस लहूलुहान कमंडल के रथ को रोक करके मंडल की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था। और उसके बाद चंद दिनों के बाद, पुराने वरिष्ठ लोग जानते होंगे, ऐसे उत्तर प्रदेश में जब कुछ आतताई हमलावर लोग इस मुल्क में एक इमारत को, एक प्रतीक को गिरा करके दंगा कराना चाहते थे, तो इसी प्रदेश का एक समाजवादी पृष्ठभूमि का जमीनी नेता, उसने गोली चलवाई ताकि मुल्क के आईन पर, इस मुल्क के अकलियत का भरोसा कायम रहे। मंडल की राजनीति ने तो यह दिया था, मंडल की राजनीति में सांप्रदायिकता को खारिज किया था। और आज सांप्रदायिकता अपने उफान पर है, पहलू खान रकबर से लेकर के, और सांप्रदायिकता की आग में केवल मुसलमान जलेगा इस भ्रम को भी निकाल देना चाहिए। वो जो रथ चला था अयोध्या से, उस पर सवार होकर कुछ लोग लखनऊ और दिल्ली की कुर्सियों तक पहुंच गए, और उन कुर्सियों को अब जिस वाहन पर सवार किया है उसका नाम है बुलडोजर। वो भारत के संविधान पर चलाया जा रहा है। उस बुलडोजर के सामने हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष सब जमींदोज हो रहा है। मुझे आज भी बीपी मंडल को याद करते हुए जो दृश्य नजर आ रहा है,
कि उस बुलडोजर को अगर कोई रोक सकता है तो उसके दोनों पहियों के सामने भारत का संविधान और मंडल कमीशन ही रोक सकता है, वरना और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम बीपी मंडल को याद करते हुए उस इतिहास से केवल रूबरू करा करके अपने वर्तमान के रास्ते को तलाशना चाहते हैं। चला था नारा और एक लंबी लड़ाई थी। बीपी मंडल ने एक सवाल पूछा था कि अगर इस मुल्क में सब बराबर हैं तो जमीन का मालिकाना हक 52% ओबीसी के पास होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का विचार केवल जाति के नाम पर गोलबंदी नहीं है साहब। सामाजिक न्याय का विचार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय तीनों है। बिना इन तीनों के कोई भी न्याय संभव नहीं और भारत की कोई संकल्पना नहीं संभव। और बीपी मंडल ने, चाहे वो भारत का संविधान के समय प्रारूप समिति के प्रमुख होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत हो, या बीपी मंडल ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाते समय जिस सपनों के भारत को देखा था, उन दोनों की बुनियाद में यह था। इसीलिए उन्होंने कहा लैंड रिफॉर्म इस देश में होना चाहिए, भूमि सुधार। भूमि है ही नहीं लोगों के पास, और इसलिए इतनी वित्तीय निगमों की स्थापना होनी चाहिए हर जिले में, सरकारी पैसा उन ओबीसी जातियों को मिले जिनके पास पैसा नहीं, जमीन नहीं, संपत्ति नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। यानी एक मुकम्मल दस्तावेज है मंडल कमीशन जो इस मुल्क को बदल कर रख सकता है। इसलिए मंडल के विरोध में कमंडल आया, क्योंकि अगर मंडल लागू हो जाता तो इस मुल्क में वाकई 90% वंचित शोषित की एका बन गई होती, और जो भी थोड़ी बहुत एका वंचित शोषित की आज के माहौल में दिख रही है वो भारत के संविधान और मंडल की एका की वजह से दिख रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है उन लोगों के सामने, और इसलिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने गांव गांव का सर्वे कराया, क्वेश्चनायर बनाया, और उस रिपोर्ट को घर घर पढ़िए। क्रांति इसलिए नहीं रुकी है कि कुछ क्रांतिकारियों की तादाद कम थी, हमारे लोगों ने तो कुर्बानियां दी जिनको दर्ज करने वाली, इतिहास लिखने वाली कलमों ने दगाबाजी की और उनकी कुर्बानियों को लोगों को बताने और जानने ही नहीं दिया गया। वरना पहली लड़ाई का नायक 1857 का कोई सिपाही नहीं, आदिवासी इलाकों में तीर और कमान लेकर दिकुओं के खिलाफ इंकलाब करने वाला बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और तिलका मांझी होते। ये इतिहास के साथ दगाबाजी, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उठाना पड़ रहा है। बीपी मंडल ने वो सारे दस्तावेज संकलित किए, और इसलिए 9 जजेस की बेंच ने उसे माना कि पिछड़ापन आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता, पिछड़ापन केवल और केवल जाति के आधार पर हो सकता है। और 3743 जातियां जो हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाई, उन सबको एक करके एक पहचान दी, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। इतना बड़ा काम करने वाले मसीहा का नाम है बीपी मंडल, और इसलिए वो खारिज नहीं हो पाया संविधान सभा की पीठ के सामने भी, और आरक्षण जाति के आधार पर मिला। लेकिन न्यायपालिका के सामने क्रीमी लेयर आ गया। इस मुल्क में जो सदियों से क्रीम खाता रहा, आज तक उनमें कोई क्रीमी लेयर नहीं बनी, और जो पहली बार मुख्यधारा में आ रहा था उसमें गैर संवैधानिक तरीके से क्रीमी लेयर लागू करके आपके समाज के सक्षम लोगों को उस सुविधा से बाहर कर दिया गया, और आज आपके समाज के लोग जिनको लाभ मिल गया वो वापस पे बैक टू सोसाइटी की तरफ कम देखते हैं। इसलिए ज्यादा बड़ा संकट ओबीसी के सामने आ गया, और क्रीमी लेयर इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है। और जाति जनगणना अगर हो जाए, उस जाति जनगणना से यह पता चल जाएगा जो मंडल की संकल्पना का भारत था। आज भी भेड़ बकरी, पेड़ पौधा, नदी नाले सब गिन लिया है, मगर दो ही लोगों की जाति नहीं पता है, एक तो सवर्णों की और दूसरा ओबीसी की, क्योंकि एससी और एसटी की जनगणना तो होती है, उनको उनका आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन मिला। लेकिन एक बात बताइए, 1931 की जनगणना के बाद 41 में भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते उसके आंकड़े नहीं आए। 1951 में जब नया भारत बन रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि हम अब जनगणना में जाति नहीं गिनेंगे क्योंकि हमें जातिवाद को खत्म करना है। नादान लोग ये बात नहीं समझे कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी कि क्या तुम्हें इस मुल्क में सांप्रदायिकता को नहीं खत्म करना था जो तुम धर्म गिनते रहे।
जाति गिनने पर अगर जातिवाद बढ़ जाता तो धर्म गिरने पर क्या सांप्रदायिकता बढ़ती क्या? इस मुल्क में सबसे बड़े दंगे सांप्रदायिकता के नाम पर तब हुए जब दंगा करके सत्ता पाने वाले लोग राजनीति की मुख्य धारा में आना शुरू हो गए। 1980 के बाद के सारे दंगे सांप्रदायिकता के। और इसलिए मेरी चुनौती यह है कि अगर जाति जनगणना उस समय हो जाती तो यह पता चल जाता कि किसने पीढ़ी दर पीढ़ी कितना कब्जा किया है। मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं उससे बस आज की बात बताता हूं। और बार बार ये जाति जनगणना को टाला गया, गिनेंगे नहीं हम जातियां, और दो ही लोगों की नहीं गिनेंगे, ओबीसी की और सवर्णों की। आज कुछ लोग आपसे कहने आएंगे कि ओबीसी की जनगणना करानी है, उनसे सजग रहिएगा, उनसे कहिए कि एक काम करो, एससी एसटी और बाकी लोगों की होती है, तुम ओबीसी की जनगणना मत कराओ, केवल इस देश में सवर्णों की जाति जनगणना करा लो, तब भी हमारा काम चल जाएगा। इसलिए जाति जनगणना के वो खिलाफ है भाई, जब तक उनकी संख्या नहीं गिनी जाएगी कि कैसे 3% लोगों ने आज भी इस मुल्क के 97% संसाधनों पर सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, ये भेद ना खुल जाए, इसलिए जाति जनगणना का विरोध करते हैं वो। और जुडिशरी, रिटायर्ड जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जब मंच पर बैठ जाते हैं तो थोड़ी हिम्मत और बढ़ जाती है कि जब ऐसे लोग भी मुखर होकर के लड़ रहे हैं, कम से कम ऐसे न्यायपालिका के जजों के आसपास तो हम नहीं है कि जो आज मंदिर का फैसला सुनाए और कल राज्यसभा की शपथ ले ले। ऐसा भी इस देश में हो रहा है। और न्यायपालिका के बहुत वरिष्ठ लोग हैं, मैं तो आज भी पुरखों को याद करते हुए महसूस करता हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक टेम्परेरी प्रोफेसर हूं भाई, देखिए 12 साल से अभी एडहॉक पर पढ़ा रहा हूं, परमानेंट नहीं करा, लेकिन उसकी चिंता नहीं। और मुझे ये समझ में आया कि वो डिग्रियां बहुत पीछे छूट जाती, जैसे ही मैंने अपनी जड़ों को पहचानना शुरू किया, ऐसे अनगिनत लोगों से एक रिश्ता बन गया जिनसे हिम्मत लेकर लौटता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। गांव गांव में मंडल और लोहिया के वारिस बैठे हुए हैं। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, बहुत सारे शिक्षक लोग मिलते हैं, वकील साहब लोग मिलते हैं, आज तो बहुत सारे लोग अपने ड्रेस में भी आए हुए हैं। जिस दिन वंचित शोषित 90% लोगों के बीच के शिक्षक समुदाय और वकील समुदाय ताकतवर होकर के पूरी तरह खड़े हो जाएं, इस मुल्क में कभी किसी वंचित शोषित के साथ कोई शोषण नहीं कर सकता। तो यह बदलाव की लहर है जो दिख रही है। और इसलिए मंडल के विरोध में न्यायपालिका का षड्यंत्र रचा गया और सुपर स्पेशल जोन बना करके एजुकेशन को आरक्षण से बाहर रखा गया। तब जो है अर्जुन सिंह के समय वो लड़ाई लड़के दूसरा शिक्षा में रिजर्वेशन आया 2006 में, हायर एजुकेशन में 97 में। मैं विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी और शिक्षक, मैंने जब आरटीआई लगाई तो मुझे 2021-22 के आंकड़े नजर आए। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक इस मुल्क के 52% ओबीसी आबादी के प्रोफेसरों की संख्या थी शून्य। ये कैसा भारत था और किसका भारत है? 2019 तक इस मुल्क के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के 97% पोस्ट केवल 3% लोगों की आबादी के लोगों के पास है। इसलिए जाति जनगणना नहीं कराई जा रही है। ये जो अवैध कब्जा है ये खुलकर सामने आ जाएगा तो गांव गांव से लोग, बल्ली सिंह चीमा ने कविता लिखी थी, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जिस दिन मंडल की ये लड़ाई गांव में पहुंच गई और लोग यही सवाल केवल पूछने लगे कि 2022 में संसद में जब एक हमारे सांसद ने पूछा कि देश के विश्वविद्यालयों में कितने लोग कुलपति हैं, 1005 में 5-3% भी 90% आबादी वाले एससी एसटी ओबीसी के लोग कुलपति नहीं है, फिर ये किसके विश्वविद्यालय बने हैं? जज किनके घरों के थे? परिवारवाद का असली अगर कोई सबूत अगर देखना है तो सबसे अच्छा उदाहरण न्यायपालिका हो सकता है, उससे बड़ा उदाहरण तो परिवारवाद का कोई नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी अगले 2-3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने वाले हैं, उन सब के जो पूर्वज थे वो सब उस बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं। इसलिए
न्यायपालिका में कोई आरक्षण नहीं। तो जो लड़ाई मंडल की थी, भूमि सुधार की थी, शिक्षा सुधार की थी, प्रमोशन में रिजर्वेशन की थी, वो लड़ाई अधूरी रह गई। वो लड़ाई नहीं होती तो उत्तर भारत में सामाजिक न्याय के कम से कम नाम लेवा ही सही, पिछले 30 सालों में सरकारें नहीं बनती। और इस मंच से मैं याद करना चाहता हूं अपने विरासत को, उस विरासत को जिसमें ओबीसी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि ओबीसी के लोगों ने कभी कोई आंदोलन ही नहीं किया, ओबीसी समाज सोया हुआ है। चुटकुला बनाया जाता है, ओबीसी ऐसा सोया हुआ शेर है कि यहां से जगाओ तो उधर जाकर सो जाएगा। सच बात है, जिसकी आबादी ज्यादा हो, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो, उससे शिकायत भी ज्यादा होती है। उस शिकायत को कबूल करते हुए भी मैं दोनों लोगों के सामने एक बात रखता हूं कि हमें पढ़ने ही नहीं दिया गया कि ओबीसी समाज के भीतर आंदोलनकारी चेतना क्या थी। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और तथागत बुद्ध के बाद उस पूरे चार्वाक लोकायत दर्शन और नास्तिक अनीश्वरवादी दर्शन में निर्गुण पंथ का वो आंदोलन नजर आता है जिसमें कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद नजर आते हैं, जो इस सारे कामगार जातियों के थे। और उस विरासत को नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला और उनसे होते हुए महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की जमीन पर क्रांति ज्योति ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और पेरियार, और उसके बाद उत्तर भारत तक आते आते छत्रपति शाहू जी महाराज और उन सब से होते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मंडल की लड़ाई आती है। उन सब में 1930 में बना एक संगठन ओबीसी का बिहार में, त्रिवेणी संघ। वो सारे ओबीसी के लोग थे जिन्होंने 90% लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कही। ये झूठ बोला जाता है कि ओबीसी का कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं था। उसके बाद उसी बिहार से उत्तर प्रदेश का एक रिश्ता बनता है जब इसी महामना राम स्वरूप वर्मा ने अपने अर्जक संघ को स्थापित किया। जितने 90% लोग हैं वो अर्जन करके, अर्जित करके खाते हैं, 10% लोग हैं जो अनर्जक हैं, अर्जकों का शोषण करके खाते हैं। और जब उस लड़ाई को एक किया तो दोनों ने मिलाकर त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ से लेकर के समाजवादी आंदोलनों, क्रांतिकारी आंदोलनों का एक पूरा इतिहास बनता है, जिस इतिहास का नारा था, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, तो पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। 50 साल 80 साल पहले की लड़ाई हमारी है, हमने पहचाना ही नहीं उसे। कैसे डॉक्टर रोहिया ने यह नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और उस डॉक्टर लोहिया से भी झगड़ा किया था भाई। और हम तो उस विरासत के लोग हैं। अब मैं उस शिकायत वाली जगह पर आ रहा हूं। तथागत बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप अपने आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम देकर जाएंगे, आपका संदेश क्या है। उन्होंने कहा एक ही संदेश है, किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, बहुत सारे लोग कहते हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे उसे ही सच मानना, अप दीपो भाव। वही संदेश उनका था। और आलोचना का इतिहास तो हमारा समाजवादी और सामाजिक न्याय अंबेडकरवादी आंदोलन का पहले से। डॉक्टर लोहिया से सवाल पूछा था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू और तमाम समाजवादी लोगों ने, आप कहते तो हैं कि पिछड़ा पावे 100 में 60, आप टिकट क्यों नहीं 60 पिछड़ा लोगों को देते। ये डॉक्टर लोहिया से पूछा था, उस डॉक्टर लोहिया से जिसने सदन में खड़े होकर नेहरू के सामने ये कहा था, गरीब देश का अमीर प्रधानमंत्री एक दिन में 25,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करता है। इस मुल्क में सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच 1 और 10 के बीच का खाई नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में समता, संपन्नता, सह अस्तित्व की लड़ाई समाजवाद की डॉक्टर लोहिया ने लड़ी। और उस डॉक्टर लोहिया ने जो क्रांति, सप्त क्रांति की बात की थी, उनकी विरासत के लोगों ने उन्हीं से सवाल पूछा कि 100 में 60 टिकट क्यों नहीं दिया भाई। और उसके बाद समाजवाद की एक नई धारा और उस नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बीपी मंडल उस 90 भाग की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और यहीं से आगे की दिशा है, यहीं से जाति जनगणना के आंदोलन और प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये दोनों बहुत छोटे विषय हैं, लड़ाई तो बहुत बड़ी है। और उस लड़ाई में वो जो अर्जक संघ और त्रिवेणी संघ का नारा
कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा सबको काम, वरना हो की नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का दसवां हिस्सा हो। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। हमारी विरासत वंचित शोषित खमेरा लोगों की विरासत है। उत्तर प्रदेश आंदोलनों की जमीन है। चौधरी छोटू राम के खमेरा शब्द को आगे बढ़ाकर, बाबू जगदेव प्रसाद के श्रमजीवी शब्द को आगे बढ़ाकर, यही सोनेलाल पटेल ने नारा दिया खमेरा का। और चौधरी छोटू राम के लड़ाई को आगे बढ़ाया कि यह जंग खमेरा बनाम लुटेरा की है। 90% लोग जो श्रमजीवी हैं वो खमेरा हैं, 10% लुटेरा हैं। आज हम कहां खड़े हैं, 90% लोग गुलाम बने हैं। और लखनऊ से दिल्ली तक की सत्ता पर उन 10% लोगों का कब्जा हो गया है। उस परिस्थिति में हम बीपी मंडल को याद कर रहे हैं। ये चुनौती हमारे सामने। और इसलिए मैं आखिरी में याद दिलाना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों, आजकल एक बहस चलाई जा रही है, कुछ लोग जो रेडिकल अंबेडकराइट बनते हैं वो कहते हैं कि सब शूद्र हैं। और ठीक बात है, लेकिन कौन से वाले शूद्र? मैं सवाल पूछता हूं, एक नया विमर्श इलाहाबाद की बौद्धिक जमीन पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो नया नहीं है, पुराना है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने गुलामगिरी में लिखा कि इस देश में जो श्रम करने वाली जातियां थीं वो तो इस मुल्क की शासक थीं। और खेत से बना एक क्षत्रप, क्षत्रप से बना एक क्षत्रिय। और उन्होंने कहा कि वो एक कौम जिसके बीच से राजा पैदा हुए, तथागत बुद्ध के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने वाले राजा सम्राट अशोक किस जाति के थे? मौर्य साम्राज्य किसका था? पाल प्रतिहार गुर्जर वंश किसका था? देवगिरी का वंश किसका था? और दलित और आदिवासी जातियों में चलिए गोंडवाना लैंड और भीलवाड़ा किसका था? इस बात को पहचानने वाले दो लोगों ने, डॉक्टर अंबेडकर और उनके गुरु ज्योतिबा फूले ने यह बात कही कि जो बाहर से आए वोल्गा पार से, उन्होंने इस देश में जो जंग लड़ी इस देश के मूल निवासियों के साथ, जो झुक कर समझौता कर दिए उन्होंने राज छत्री बना दिया, और जो तन कर खड़े रहे उनको शूद्र बनाया। यानी ओबीसी शूद्र नहीं था, उसे जबरदस्ती वर्ण व्यवस्था में डाला गया है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और इस बात को पढ़ना है तो ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़ें और डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वेयर शूद्रा, शूद्र कौन है पढ़ें। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने वो नारा दिया था, जाओ इस देश की दीवारों और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। आपको गुलाम बनाया गया। और ये मेरा स्पष्ट विचार है, छत्तीसगढ़ में गया था आदिवासियों के बीच, आज कुछ लोग लड़ाने पर तैयार हैं। ओबीसी को ओबीसी से लड़ाएंगे, दलित को दलित से लड़ा रहे हैं, और हमारे लोगों को ही भटका रहे हैं कि आरक्षण की सारी मलाई तो फला ने खा ली। ऐसी लगती है कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा बहुत किया है, वही तो हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। और वो काम किया जो बीपी मंडल को समझ में आ गया, उस मंडल कमीशन के तमाम सदस्यों को समझ में आ गया। उन्होंने लिखा कि पिछड़े वर्ग के लोग, कुर्मी कोयरी अहिर गरिया पाल निषाद मल्ला कुमार लोहार नाई मोची, इन जातियों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा और चेतना से दूर रहे, रखे गए, दूर थे नहीं, रखे गए। और उनके बच्चे जब घर में पढ़ने लायक होते हैं तो अचानक एक व्यक्ति मोहल्ले का आता है और ये कहता है कि अरे बच्चा पढ़ लिख कर क्या बनेगा, अरे इसको काम में लगाओ, परिवार आगे बढ़ाएगा। और अपना बच्चा नालायक भी हो तो उसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय भेजेगा, पैसा हुआ तो विदेश भेजेगा। ये जो कल्चरल हेजिमनी है उसको पहचानने का काम किया था बीपी मंडल ने,
और इसलिए बीपी मंडल ने कहा सरकार की जिम्मेदारी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम करे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, बिना शिक्षा के मुल्क कभी बराबर नहीं हो सकता। कहा हमने अपने लोगों को मंडल के बारे में पढ़ने दिया? मंडल ने कहा मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कि इस देश में बराबरी तब तक नहीं हो सकती। और मंडल की सबसे बड़ी कोटेशन मैं याद करता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोटेशन जैसे है ना, एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज, तो वैसे ही पीपी मंडल का एक कोटेशन है कि समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है, असमान लोगों के बीच कोई भी समानता नहीं हो सकती। उसका विचार का नाम है पीपी मंडल के मंडल। और तब पीपी मंडल ने कहा कि इस देश में मुल्क की 52% आबादी उच्च वर्ग की नौकरियों में, कितनी 3-4% भी नहीं, मध्य वर्ग की नौकरियों में कितनी 5-6% भी नहीं, और ग्रेड डी की नौकरियों में 10% भी नहीं। आबादी कितनी है 52%, उनके लोग इस मुल्क को चलाने में कहां है 2-3%। और जमीन का सवाल उठाया बीपी मंडल ने। मैं इसलिए बार बार सामाजिक न्याय को मैं आज भी कहता हूं, जैसे एक खास किस्म से इस मुल्क को ले जाने की बात की जा रही है ना, मंडल के विरोध में क्या आया, जोर से बोलिए, मंडल के विरोध में कमंडल आया, क्योंकि उनकी हिम्मत उस समय भी नहीं थी कि सीधे सामने आकर मंडल का विरोध कर सके, इसलिए कमंडल ले आए। उस कमंडल के रथ पर सवार होकर, और मैं आपको समसामयिक चीजें भी बताऊंगा, ये बौद्धिक मंच है, किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है। राजनीति को दिशा देने का काम समाज का होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को भी थोड़ी संकेतों में सही बात समझ में आए। मैं याद करता हूं कि मंडल के विरोध में जो कमंडल आया था उसके रथ का एक एक पहिया लहूलुहान था, वो पूरे मुल्क को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि उस दंगे में उनके लोग नहीं मारे जाएंगे। और वो रथ जब चला तो उस रथ को बिहार की क्रांतिकारी जमीन पर जिस नेता ने रोका, आज वो जेल में है। उसका गुनाह केवल और केवल इतना है कि उसने उस लहूलुहान कमंडल के रथ को रोक करके मंडल की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद चंद दिनों के बाद, पुराने वरिष्ठ लोग जानते होंगे, इसे उत्तर प्रदेश में जब कुछ आतताई हमलावर लोग इस मुल्क में एक इमारत को, एक प्रतीक को गिरा करके दंगा कराना चाहते थे, तो इसी प्रदेश का एक समाजवादी पृष्ठभूमि का जमीनी नेता, उसने गोली चलाई ताकि मुल्क की आईन पर, इस मुल्क के असलियत का भरोसा कायम रहे। मंडल की राजनीति ने तो यह दिया था, मंडल की राजनीति में सांप्रदायिकता को खारिज किया था, और आज सांप्रदायिकता अपने उफान पर है, पहलू खान रब्बर से लेकर के, और सांप्रदायिकता की आग में केवल मुसलमान जलेगा इस भ्रम को भी निकाल देना चाहिए। वो जो रथ चला था अयोध्या से, उस पर सवार होकर कुछ लोग लखनऊ और दिल्ली की कुर्सियों तक पहुंच गए, और उन कुर्सियों को अब जिस वाहन पर सवार किया है उसका नाम है बुलडोजर, वो भारत के संविधान पर चलाया जा रहा है। उस बुलडोजर के सामने हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष सब जमींदोज हो रहा। मुझे आज भी बीपी मंडल को याद करते हुए जो दृश्य नजर आ रहा है कि उस बुलडोजर को अगर कोई रोक सकता है तो उसके दोनों पहियों के सामने भारत का संविधान और मंडल कमीशन ही रोक सकता है, वरना और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम बीपी मंडल को याद करते हुए उस इतिहास से केवल रूबरू करा करके अपने वर्तमान के रास्ते को तलाशना चाहते हैं। चला था नारा और एक लंबी लड़ाई थी। बीपी मंडल ने एक सवाल पूछा था कि अगर इस मुल्क में सब बराबर है तो जमीन का मालिकाना हक 52% ओबीसी के पास होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं सामाजिक न्याय का विचार केवल जाति के नाम पर गोलबंदी नहीं है साहब। सामाजिक न्याय का विचार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय तीनों है,
बिना इन तीनों के कोई भी न्याय संभव नहीं और भारत की कोई संकल्पना नहीं संभव। और बीपी मंडल ने, चाहे वो भारत का संविधान के समय प्रारूप समिति के प्रमुख होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत हो, या बीपी मंडल ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाते समय जिस सपनों के भारत को देखा था, उन दोनों की बुनियाद में यह था। इसीलिए उन्होंने कहा लैंड रिफॉर्म इस देश में होना चाहिए, भूमि सुधार। भूमि है ही नहीं लोगों के पास, और इसलिए इतनी वित्तीय निगमों की स्थापना होनी चाहिए हर जिले में, सरकारी पैसा उन ओबीसी जातियों को मिले जिनके पास पैसा नहीं, जमीन नहीं, संपत्ति नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। यानी एक मुकम्मल दस्तावेज है मंडल कमीशन जो इस मुल्क को बदल कर रख सकता है। इसलिए मंडल के विरोध में कमंडल आया, क्योंकि अगर मंडल लागू हो जाता तो इस मुल्क में वाकई 90% वंचित शोषित की एका बन गई होती, और जो भी थोड़ी बहुत एका वंचित शोषित की आज के माहौल में दिख रही है वो भारत के संविधान और मंडल की एका की वजह से दिख रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है उन लोगों के सामने, और इसलिए बिंदेश्वर प्रसाद मंडल ने गांव गांव का सर्वे कराया, क्वेश्चनायर बनाया, और उस रिपोर्ट को घर घर पढ़िए। क्रांति इसलिए नहीं रुकी है कि कुछ क्रांतिकारियों की तादाद कम थी, हमारे लोगों ने तो कुर्बानियां दी जिनको दर्ज करने वाली इतिहास लिखने वाली कलमों ने दगाबाजी की और उनकी कुर्बानियों को लोगों को बताने और जानने नहीं दिया जाए, वरना पहली लड़ाई का नायक 1857 का कोई सिपाही नहीं, आदिवासी इलाकों में तीर और कमान लेकर दिखों के खिलाफ इंकलाब करने वाला बिरसा मुंडा सुधीर कानू और तिलका मांझी होते। ये इतिहास के साथ दगाबाजी, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उठाना पड़ता। बीपी मंडल ने वो सारे दस्तावेज संकलित किए, और इसलिए 9 जजेस के बेंच ने उसे माना कि पिछड़ापन आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता, पिछड़ापन केवल और केवल जाति के आधार पर हो सकता है, और 3743 जातियां जो हाथ से श्रम करके दुनिया को रहने लायक बनाई, उन सबको एक करके पहचान दी, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इतना बड़ा काम करने वाले मसीहा का नाम है बीपी मंडल। और इसलिए वो खारिज नहीं हो पाया संविधान सभा की पीठ के सामने भी, और आरक्षण जाति के आधार पर मिला। लेकिन न्यायपालिका के सामने क्रीमी लेयर आ गया। इस मुल्क में जो सदियों से क्रीम खाता रहा, आज तक उनमें कोई क्रीमी लेयर नहीं बनी, और जो पहली बार मुख्यधारा में आ रहा था उसमें गैर संवैधानिक तरीके से क्रीमी लेयर लागू करके आपके समाज के सक्षम लोगों को उस सुविधा से बाहर कर दिया गया, और आज आपके समाज के लोग जिनको लाभ मिल गया वो वापस पे बैक टू सोसाइटी की तरफ कम देखते हैं, इसलिए ज्यादा बड़ा संकट ओबीसी के सामने आता है। और क्रीमी लेयर इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है, और जाति जनगणना अगर हो जाए, उस जाति जनगणना से ये पता चल जाएगा जो मंडल की संकल्पना का भारत था, आज भी भेड़ बकरी पेड़ पौधा नदी नाले सब गिन लिया है, मगर दो ही लोगों की जाति नहीं पता है, एक तो सवर्णों की और दूसरा ओबीसी, क्योंकि एससी और एसटी की जनगणना तो होती है, उनको उनका आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन मिला। लेकिन एक बात बताइए, 1931 की जनगणना के बाद 41 में भी ज्यादा जनगणना हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते उसके आंकड़े नहीं आए। 1951 में जब नया भारत बन रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि हम अब जनगणना में जाति नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमें जातिवाद को खत्म करना है। नादान लोग ये बात नहीं समझे कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी कि क्या तुम्हें इस मुल्क में सांप्रदायिकता को नहीं खत्म करना था जो तुम धर्म गिनते रहे। जाति गिनने पर अगर जातिवाद बढ़ जाता तो धर्म गिनने पर क्या सांप्रदायिकता बढ़ती क्या? इस मुल्क में सबसे बड़े दंगे सांप्रदायिकता के नाम पर तब हुए जब दंगा करके सत्ता पाने वाले लोग राजनीति की मुख्य धारा में आना शुरू हो गए। 1980 के बाद के सारे दंगे सांप्रदायिकता। और इसलिए मेरी चुनौती यह है कि अगर जाति जनगणना उस समय हो जाती तो यह पता चल जाता कि किसने पीढ़ी दर पीढ़ी कितना कब्जा किया है। मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं उससे बस आज की बात बताता हूं। और बार बार ये जाति जनगणना को टाला गया, गिने के नहीं हम जातियां, पर दो ही लोगों की नहीं गिनेंगे, ओबीसी की और सवर्णों की। आज कुछ लोग आपसे कहने आएंगे कि ओबीसी की जनगणना करानी है,
उनसे सजग रहिएगा, उनसे कहिए कि काम करो, एससी एसटी और बाकी लोगों की होती है, तुम ओबीसी की जनगणना मत कराओ, केवल इस देश में सवर्णों की जाति जनगणना करा लो, तब भी हमारा काम चल जाएगा। इसलिए जनगणना के खिलाफ भाई, जब तक उनकी संख्या नहीं गिनी जाएगी कि कैसे 3% लोगों ने आज भी इस मुल्क के 97% संसाधनों पर सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, ये भेद न खुल जाए, इसलिए जाति जनगणना का विरोध करते हुए। और जुडिशरी, रिटायर्ड जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जब मंच पर बैठ जाते हैं तो थोड़ी हिम्मत और बढ़ जाती है कि जब ऐसे लोग भी मुखर होकर के लड़ रहे हैं, कम से कम ऐसे न्यायपालिका के जजों के आसपास तो हम नहीं है कि जो आज मंदिर का फैसला सुना उत्तर राज्यसभा की शपथ ले लें। ऐसा भी इस देश में हो रहा है, और न्यायपालिका के बहुत वरिष्ठ लोग हैं। मैं तो आज भी पुरखों को याद करते हुए महसूस करता हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक टेम्पररी प्रोफेसर हूं भाई, देखिए 12 साल से अभी एडहॉक पर पढ़ा रहा हूं, परमानेंट नहीं करा, लेकिन उसकी चिंता नहीं। और मुझे ये समझ में आया कि वो डिग्रियां बहुत पीछे छूट जाती हैं। जैसे मैंने अपने जड़ों को पहचानना शुरू किया, ऐसे अनगिनत लोगों से एक रिश्ता बन गया जिनसे हिम्मत लेकर लौटता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। गांव गांव में मंडल और गैया के वारिस बैठे हुए, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, बहुत सारे शिक्षक लोग मिलते हैं, वकील साहब लोग मिलते हैं, आज तो बहुत सारे लोग अपने ड्रेस में भी आए हुए हैं। जिस दिन वंचित शोषित 90% लोगों के बीच के शिक्षक समुदाय और वकील समुदाय ताकतवर होकर के पूरी तरह खड़े हो जाएं, इस मुल्क में कभी किसी वंचित शोषित के साथ कोई शोषण नहीं करता। तो ये बदलाव की लहर है जो दिख रही है, और इसलिए मंडल के विरोध में न्यायपालिका का षड्यंत्र रचा गया और सुपर स्पेशल जोन बना करके एजुकेशन को आरक्षण से बाहर रखा गया। तब जो है अर्जुन सिंह के समय वो लड़ाई लड़के दूसरा शिक्षा में रिजर्वेशन आया 2006 में, हायर एजुकेशन में 97 में। मैं विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी और शिक्षक, मैंने जब आरटीआई लगाई तो मुझे 2021-22 के आंकड़े नजर आए। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक इस मुल्क के 52% ओबीसी आबादी के प्रोफेसरों की संख्या थी शून्य। ये कैसा भारत था और किसका भारत है? 2019 तक इस मुल्क के एसोसिएट प्रोफेसर के 97% पोस्ट केवल 3% लोगों की आबादी के लोगों के पास है। इसलिए जाति जनगणना नहीं कराई जा रही। जो अवैध कब्जा है ये खुलकर सामने आ जाएगा तो गांव गांव से लोग, बल्ली सिंह चीमा ने कविता लिखी थी, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जिस दिन मंडल की ये लड़ाई गांव में पहुंच गई और लोग यही सवाल केवल पूछने लगे कि 2022 में संसद में जब एक हमारे सांसद ने पूछा कि देश के विश्वविद्यालयों में कितने लोग कुलपति हैं, 1005 में 5-3% भी 90% आबादी वाले एससी एसटी ओबीसी के लोग कुलपति नहीं है, फिर ये किसके विश्वविद्यालय बने हैं? जज किनके घरों के थे? परिवारवाद का असली अगर कोई सबूत अगर देखना है तो सबसे अच्छा उदाहरण न्यायपालिका हो सकता है, उससे बड़ा उदाहरण तो परिवारवाद का कोई नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी अगले 2-3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने वाले हैं, उन सब के जो पूर्वज थे वो सब उससे बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं। इसलिए न्यायपालिका में कोई आरक्षण नहीं। तो जो लड़ाई मंडल की थी, भूमि सुधार की थी, शिक्षा सुधार की थी, प्रमोशन में रिजर्वेशन की थी, वो लड़ाई अधूरी रह गई। वो लड़ाई नहीं होती तो उत्तर भारत में सामाजिक न्याय के कम से कम नाम लेवा ही सही, पिछले 30 सालों में सरकारें नहीं बनती। और इस मंच से मैं याद करना चाहता हूं अपनी विरासत को, उस विरासत को जिसमें ओबीसी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि ओबीसी के लोगों ने कभी कोई आंदोलन ही नहीं किया, ओबीसी समाज सोया हुआ है, चुटकुला बनाया जाता है, ओबीसी ऐसा सोया हुआ शेर है कि यहां से जगाओ तो उधर जाकर सो जाएगा। सच बात है, जिसकी आबादी ज्यादा हो, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो, उससे शिकायत भी ज्यादा होती है।
उस शिकायत को कबूल करते हुए भी मैं दोनों लोगों के सामने एक बात रखता हूं कि हमें पढ़ने ही नहीं दिया गया कि ओबीसी समाज के भीतर आंदोलनकारी चेतना क्या है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और तथागत बुद्ध के बाद उस पूरे चारवाक लोकायत दर्शन और नास्तिक अनीश्वरवादी दर्शन में निर्गुण पंथ का वो आंदोलन नजर आता है जिसमें कबीर, रैदास, पलटू, दादो, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद नजर आते हैं जो इस सारे कामगार जातियों के थे और उस विरासत को नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मिला और उनसे होते हुए महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की जमीन पर क्रांति ज्योति ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और पेरियार और उसके बाद उत्तर भारत तक आते आते छत्रपति शाहू जी महाराज और उन सबसे होते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मंडल की लड़ाई आती है। उन सब में 1930 में बना एक संगठन ओबीसी का बिहार में त्रिवेणी संघ, वो सारे ओबीसी के लोग थे जिन्होंने 90% लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कही। ये झूठ बोला जाता है कि ओबीसी का कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं। उसके बाद उसी बिहार से उत्तर प्रदेश का एक रिश्ता बनता है जब इसी महामना रामस्वरूप वर्मा ने अपने अर्जक संघ को स्थापित किया। जितने 90% लोग हैं वो अर्जन करके अर्जित करके खाते हैं, 10% लोग हैं जो अनर्जक हैं, अर्जकों का शोषण करके खाते हैं। और जब उस लड़ाई को एक किया तो दोनों ने मिलाकर त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ से लेकर के समाजवादी आंदोलनों, क्रांतिकारी आंदोलनों का एक पूरा इतिहास बनता है जिस इतिहास का नारा था दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। तो पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। अरे ये 50 साल 80 साल पहले की लड़ाई हमारी है, हमने पहचाना ही नहीं उसे। कैसे डॉक्टर लोहिया ने ये नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ। और उस डॉक्टर लोहिया से भी झगड़ा किया था भाई, और हम तो उस विरासत के लोग हैं। अब मैं उस शिकायत वाली जगह पर आ रहा हूं। तथागत बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप अपने आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम देकर जाएंगे, आपका संदेश क्या है। उन्होंने कहा एक ही संदेश है, किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, बहुत सारे लोग कहते हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे उसे ही सच मानना, अप दीपो भाव। वही संदेश उनका। और आलोचना का इतिहास तो हमारा समाजवादी और सामाजिक न्याय अंबेडकरवादी आंदोलन का पहले से। डॉक्टर लोहिया से सवाल पूछा गया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू और तमाम समाजवादी लोगों ने, आप कहते तो हैं कि पिछड़ा पावे सौ में साथ, आप टिकट क्यों नहीं साथ पिछड़ा लोगों को देते, ये डॉक्टर लोहिया से पूछा था। उस डॉक्टर लोहिया से जिसने सदन में खड़े होकर नेहरू के सामने ये कहा था, गरीब देश का अमीर प्रधानमंत्री एक दिन में 25,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करता है, इस मुल्क में सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच 1 और 10 के बीच का खाई नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में समता, संपन्नता, सह अस्तित्व की लड़ाई समाजवाद में डॉक्टर लोहिया ने लड़ी। और उस डॉक्टर लोहिया ने जो क्रांति, सप्त क्रांति की बात की थी, उनकी विरासत के लोगों ने उन्हीं से सवाल पूछा कि 100 में 60 टिकट क्यों नहीं दिया भाई। और उसके बाद समाजवाद की नई धारा और उस नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बीपी मंडल उस 90 भाग की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और यही से आगे की दिशा है। यही से जाति जनगणना के आंदोलन और प्रमोशन रिजर्वेशन, ये दोनों बहुत छोटे विषय हैं, लड़ाई तो बहुत बड़ी है। और उस लड़ाई में वो जो अर्चक संघ और त्रिवेणी संघ का नारा कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण होंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना हो की नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार।
के कमेरा शब्द को आगे बढ़ाकर, बाबू जगदेव प्रसाद के श्रमजीवी शब्द को आगे बढ़ाकर, यही सोनेलाल पटेल ने नारा दिया कमेरा का, और चौधरी छोटू राम के लड़ाई को आगे बढ़ाया कि ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। 90% लोग जो श्रमजीवी हैं वो कमेरा हैं, 10% लुटेरा हैं। आज हम कहां खड़े हैं, 90% लोग गुलाम बने हैं, और लखनऊ से दिल्ली तक की सत्ता पर उन 10% लोगों का कब्जा हो गया है। उस परिस्थिति में हम विधिमंडल को याद कर रहे हैं, ये चुनौती हमारे सामने है। और इसलिए मैं आखिरी में याद दिलाना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों, आजकल बहस चलाई जा रही है, कुछ लोग जो रेडिकल अंबेडकराइट बनते हैं वो कहते हैं कि सब शूद्र हैं, और ठीक बात है, लेकिन कौन से वाले शूद्र? मैं सवाल पूछता हूं, एक नया विमर्श इलाहाबाद की बौद्धिक जमीन पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, नया नहीं है, पुराना है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने गुलामगिरी में लिखा कि इस देश में जो श्रम करने वाली जातियां थी वो तो इस मुल्क की शासक थी, और खेत से बना छत्र, छत्र से बना छत्री, और उन्होंने कहा कि वो एक कौम जिसके बीच से राजा पैदा हुए, तथागत बुद्ध के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने वाले राजा सम्राट अशोक किस जाति के थे? मौर्य साम्राज्य किसका था? पाल प्रतिहार गुर्जर वंश किसका था? देवगिरी का वंश किसका था? और दलित और आदिवासी जातियों में चलिए गोंडवाना लैंड और भीलवाड़ा किसका था? इस बात को पहचानने वाले दो लोगों ने, डॉक्टर अंबेडकर और उनके गुरु ज्योतिबा फूले ने यह बात कही कि जो बाहर से आए बोलना पार से, उन्होंने इस देश में जो जंग लड़ी इस देश के मूल निवासियों के साथ, जो झुक कर समझौता कर दिए उन्होंने राज छत्री बना दिया, और जो तन कर खड़े रहे उनको शूद्र बनाया। यानी ओबीसी शूद्र नहीं था, उसे जबरदस्ती बोली व्यवस्था में डाला गया है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। और इस बात को पढ़ना है तो ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़े, और डॉक्टर अंबेडकर की किताब हू वर शूद्रा, शूद्र कौन है पढ़े। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने वो नारा दिया था, जाओ इस देश की दीवारों और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, आपको गुलाम बनाया गया। और ये मेरा स्पष्ट विचार है, छत्तीसगढ़ में गया था आदिवासियों के बीच, आज कुछ लोग लड़ाने पर तैयार हैं, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाएंगे, दलित को दलित से लड़ा रहे हैं, और हमारे लोगों को ही भटका रहे हैं कि आरक्षण की सारी मलाई तो फला नहीं खाई। मैं एक टीवी डिबेट में बैठा था, सारे वही लोग थे मुखद से जाए तो ब्राह्मण बाहुल नाम क्षत्रिय, मैं व्यंग में ये बात बोलता हूँ, आजकल यूएपीए और बुलडोजर सब साथ में चल रहा, हम लोग नेता नहीं है इसलिए ईडी सीबीआई नहीं आएगी, लेकिन जेल में डाला जा। मैं याद करता हूं इस मंच से मेरा दोस्त उमर खालिद किस जुर्म की सजा में आज जेल में है, मेरे प्रोफेसर हैनी बाबू ओबीसी समाज के वहां पर केरल के, और प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नौलखा, भरभर राव, जाने कितने लोग जो वंचितों शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो जेल में हैं, और बिल्किस बानो के बलात्कारी बेल पाकर के माला से स्वागत कर रहे हैं। और इसलिए मैं वो बात याद कर रहा हूं कि सारे लोग बैठ करके कह रहे थे जाति जनगणना होगी तो लोग आरक्षण मांगने लगेंगे, ये 10% सुदामा आरक्षण किसने मांगा था भाई? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए देश में कोई आंदोलन हुआ क्या? ये आज भी संघियों के आका हैं, गोलबलकर उनकी किताब है द बंच ऑफ थॉट, उसमें लिखा है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये जो निजाम बैठा है ये अपने गुरु गोलबलकर के विचार पर चल रहा है, और हमारे अपने लोग बिरसा फूले अम्बेडकर पेरियार को भूल गए, इसलिए आज विपक्ष में बैठे। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, जब उस पर उन्होंने कहा कि जात जनगणना हो जाएगी तो आपका तो भेद खुल जाएगा, आपके नाम में यादव लिखा है, और लोग जान जाएंगे कि ओबीसी का सबसे ज्यादा मलाई तो यादव ने खाई है, तो आप जात जनगणना का क्यों समर्थन कर रहे हैं? मैंने उन सारे लोगों को यही पलट के कहा कि इस जाति जनगणना से अगर सबसे ज्यादा नुकसान यादव का है तो यादव क्यों कह रहा है कि जात जनगणना हो? नुकसान मेरा है, मैं समर्थन कर रहा हूं, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं तो तुम विरोध कर रहे हो। और जाति जनगणना के विरोध में अब तक जितने लेख लिखे गए हैं वो सारे के सारे लेख समारोह में लिखे गए, आपसे कोई मतलब नहीं तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं?
इसलिए जाकर गणना नहीं होने दी जा रही है, इसलिए आपके प्रमोशन में रिजर्वेशन और किस चीज में आप रिजर्वेशन लेंगे वो बेच रहे हैं भारत को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मुख्यमंत्री रहा वो शख्स तो उसे जाति नहीं नजर आई। 14 में जब प्रधानमंत्री बनने आया तो कहा मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, वैसे ही पेक ओबीसी वो है जैसे उसे चाय बेच के कभी किसी ने नहीं देखा, फिर भी वो उसको बेच दिया। जिसे चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, जो सौगंध लेके आया था कि भारत नहीं बिकने दूंगा, उसने इस देश की सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षा, सरकारी संपत्ति, सरकारी जमीन सब कुछ अपने दोस्तों अंबानी अडाने के हाथों बेच दिया है। अब आपका आरक्षण और प्रमोशन रिजर्वेशन आप लेंगे कहां? उसका कोई दोष नहीं है, वो बोल चुका है मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा, हमारा आपका क्या होगा। मंडल की लड़ाई अब और गहरी हो गई। अगर आज हम चूके हम नहीं लड़ पाएंगे साहब, क्योंकि हम लड़ने लायक नहीं बचे। हमें आपस में बांट दिया गया, हमें अपना इतिहास भुला दिया गया कि जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर एक नाई समाज का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना, उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, दिल्ली से किसने नारा बनाया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भ्रीज चढ़ावे राम नरेश, ये किसने नारा बनाया था? मेरा सवाल है। वो हमें जातिवादी कहते हैं कि हम जाति के नाम पर बराबरी की बात करते हैं, तो ये हमें कहते हैं हम जाति को बढ़ा रहे हैं। किसने नारा लगाया था आरक्षण कहां से आई और कर्पूरी ठाकुर की मां और बहन को गालियां दी थी? अरे बाकी छोड़िए, जगदेव बाबू को कैसे मारा गया, और तो और विश्वनाथ प्रताप सिंह जब क्रांति करने निकले तो यही राजा मांडा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और मंडल लागू कर दिया तो नारा बदल गया, राजा नहीं रंग है, देश का कलंक है। ये कौन सा देश है भाई? लोग कहते हैं कि जिस दिन कोई मरे उस दिन उसकी आलोचना मत करो। विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस दिन मरे, बड़े बड़े लेख लिखे गए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कैसे इस देश को बर्बाद कर दिया और उनको गालियां पड़ी थी। कहां गया था वो संस्कार जिसे सनातनी कहते हो? और इसलिए मैं यहां मंडल को याद करते हुए आपके कड़वे इतिहास को याद कर रहा हूं। भूल गए वो लोग जिन्हें उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, सरकार चली गई, तब उन्हें याद आया जब गंगा जल से घर धुलवाया जा रहा है तो मीडिया में आप बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था तुम लोग इसको। जातिवाद कैसे किया जाता है, ये दलित पिछड़े आदिवासी तो कर ही नहीं सकते। एक मठाधीश जब मुख्यमंत्री बन जाए तो पूरे प्रदेश को कैसे एक जाति में बदल देता है, और जातिवादी तो वो है, कोई मीडिया कभी नहीं कहेगी कि सब एक ही जाति के लोग बैठे। इसलिए मंडल की लड़ाई ये बहुत खतरनाक दौर में चली गई है साथियों। गालियां हमें दी गई, हमने जातियां नहीं बनाई थी। मैं भोजपुरी इलाके से आया हूं और हम सारे लोग जानते हैं अहिर गडरिया कुर्मी चोर घर सारे का टंगरी तोड़। किसने नारा बनाया था? अहिर गडरिया कुर्मी हिंदू ने क्या? बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से, ये हमने नारा बनाया था। जाति देख करके इस देश में बंटवारा किसने किया और आज हिंदू बनाते हो? 80% हिंदू एक हो जाओ, 20% मुसलमानों से खतरा है। बताओ, राष्ट्रपति से बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती, और दलित राष्ट्रपति बना तो मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया अगर वो भी हिंदू था तो? और एक महिला आदिवासी को तुमने यहां पर, और उस राष्ट्रपति से किसने पूछा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि जाति उसकी दलित है? ये जो अभी राष्ट्रपति बनाए वो किसने पूछा था कि किस जाति और किस समुदाय से आती हैं? तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 75 साल बाद इस देश में पहली बार हमने एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। और जाकर के चार ऐसे लोग जिनकी कोई डिग्री नहीं है, तो ही चीज है फूला हुआ पेट और लंबी शिखा, वो मंत्र पढ़कर के उनको पवित्र कर रहे हैं, तो कौन सा हिंदू है भाई? हिंदू बना रहे हो तो दंगा करा देंगे। और हम हिंदू बन रहे साहब क्योंकि हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 1956 में मिलकर के काम करना चाहते थे, उस सपने को मरता हुआ हमने सामने छोड़ दिया। हम बन रहे हिंदू साहब क्योंकि हमने मंडल की लड़ाई को छोड़ दिया है, और इसलिए वो पूरी विभाजन की रेखा हमारे बीच में बन गई है।
और विभाजन की रेखा को अगर मिटाना है, अरे आपको तो सरकार में मिली, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि राजनीति के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं भी मानता हूं। लालू प्रसाद जब बने तो चरवाहा विद्यालय बना, कर्पूरी ठाकुर बने तो बहुत बिहार का मंत्रिमंडल बदल गया, बहुत सारे ऐसे लोग सदन में बैठ गए जिन्होंने कभी बाहर अपने जिले से कदम नहीं रखा था। हमारे यहाँ हमारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त, दो चार मिनट और मैं बात खत्म करूंगा, पिताजी के दोस्त हमारे डॉक्टर वसूल हसन, वो एक किस्सा सुनाते थे और वो किस्सा एक साहित्यकार ने लिखा भी है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो जाकर उनसे पूछा कि अम्मा आपको सबको पाकिस्तान भेजा जा रहा है, आप क्या करो? उन्होंने कहा अम्मा आज तक तो हम गाजीपुर के आगे बढ़े नहीं, पाकिस्तान क्या खाक जाएंगे। ऐसी मिट्टी में पैदा हुए दफन यहीं हो जाएंगे, न बुलाए किसी के आए थे न निकाले किसी के जाएंगे। तो बात कहेंगे 370, आप कहेंगे बेरोजगारी 45 साल में ज्यादा, वो कहेंगे मंदिर मस्जिद के नीचे से खोजो मंदिर निकलेगा। और ऐसे दौर में मंडल की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, ये मेरे सामने चुनौती है साथियों। जाते जाते मुझे एक दिशा नजर आती है, वही अपील और वही गुजारिश करके जा रहा हूं। मेरे सामने ये दिशा नजर आती है, मैं जिस बिरादरी से आता हूं उस बिरादरी की तो पत्रिकाएं निकलती है, मजबूत लोग हैं सत्ता में रहे, उत्तर प्रदेश बिहार बहुत जगह पर रहे, उनके पैसे वाले भी लोग रहे, संख्या में ज्यादा थे। 1924 में बनी अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा, यादव महासभा, बहुत सम्मानित लोग थे, दूरदर्शी थे और बहुत अच्छे काम भी किए उन सभा के लोगों ने। मगर मैं सोच रहा हूं कि उनके एक साल बाद 1925 में एक संगठन बना और आज मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा है और हमारे लोग कहां चले गए? ताकतवर जातियों ने अपने संगठन बना लिए, ये मेरी आलोचना है। आहिर महासभा, यादव महासभा, कुर्मी महासभा, कोहरी महासभा बन गई साहब, हलवाई महासभा, और अब तो नई नई पार्टियां बन रही है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी बन रही है ना, और उसका सामाजिक न्याय क्या है? खुद कैबिनेट मंत्री, बेटा एमएलसी, दूसरा बेटा, ये सामाजिक न्याय कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर लोहिया की विरासत के लोगों ने गलती की हो या आज सामाजिक न्याय के नाम पर जो जाति के नाम पर पार्टियां बनी है वो गलतियां कर रही है, लेकिन हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते। हम ताकतवर थे तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा थी, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और ओबीसी की 37-43 जातियां हैं साहब, कि वो कुछ तो इतनी संख्या में कम है कि उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, उनकी एकता कैसे बनेगी? और हम एक कदम पीछे हटना नहीं चाहते, हमने अपनी नाक लंबी कर दी और दिल छोटा कर लिया, इसलिए हम टुकड़ों में बढ़ते चले गए और अचानक कोई बहरूपिया आकर के आपका वोट ले गया, आज 500 रुपया और 5 किलो अनाज पर ले गया है, अगले चुनाव में 1000 रुपया और 10 किलो अनाज देगा, फिर ईवीएम हैक करेगा, फिर वोटर लिस्ट से नाम हटाएगा, फिर दंगा करवाएगा, हमारे आपके पास उसे रोकने के लिए क्या ताकत है? हम केवल शिकायत करते रहेंगे कि सिस्टम बहुत करप्ट है, खुले आम कर रहे हैं साहब, बुलडोजर चला दिया घर पर। इसे इलाहाबाद में वो लड़की जो पढ़ती थी दिल्ली में, उसके पिता के नाम पर घर भी नहीं था, घर गिरा दिया। क्या इस देश के बहुजन समाज के लोग मुसलमानों को मारे जाने के समय सामने खड़े हुए? क्या अगर आपके सामने आपकी कमजोर जाति के और आज तो उत्तर प्रदेश के लोगों, आप हमसे बेहतर जानते हो, थाने में किसके लोग जेल में जा रहे हैं, कौन सुनवाई हो रही है और बारी बारी मारे जा रहे हैं, मंडल की लड़ाई कहां चली गई? इसलिए मेरी गुजारिश है इन हुक्मरानों को जो आज विपक्ष में बैठे हैं, संकेत केवल कर रहा हूं, याद करो रथ यात्रा को रोकने और आतताइयों पर गोली चलाने वाली विरासत तुम्हारी है, दंगाई वक्त में सामने खड़े हो जाओ और कहो कि उत्तर प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी हमारे हैं और हम चलेंगे पूरे प्रदेश में। अब वो रथ यात्रा करते हैं, आप पैदल यात्रा करो कि जाति जनगणना कराओ, वरना हम आंदोलन करेंगे और आप अगर सरकार में ना आ जाओ तो कहो। आपके पास पूरा मैदान खाली है, आप एक हाथ में जय भीम, जय मंडल, अंबेडकर और लोहिया और दूसरे में परशुराम का फरसा, माफ कीजिए वैचारिक धारा से समझौता आप कभी सत्ता कर नहीं पाएंगे। अरे मैं कह रहा हूं चलो राजनीति की मजबूरी थी तो फरसा वालों ने कितना वोट दिया ये तो पता करो,
CSDS का आंकड़ा बता रहा है 90% ब्राह्मण और 92% क्षत्रियों ने केवल और केवल एक पार्टी को वोट दिया है और आपके लोगों को वोट नहीं मिला। आओ वापस लौटो, ये 90% वंचित शोषित कमेरा लोग जिस दिन एक हो जाएंगे लखनऊ ही नहीं दिल्ली में बैठना और आज घोषणा करो कि 52% आबादी को उत्तर प्रदेश बिहार और दिल्ली में 52% आरक्षण दे देंगे। देखो आप सरकार भी ना आ जाओ तो कहो, अरे 52% आरक्षण देने की घोषणा करो ना भाई। झारखंड के मुख्यमंत्री की सदस्यता चली गई, एक भी ढंग का काम नहीं उस तरह से कर पाए, बहुत किया। मैं कह रहा हूं उनको मौका मिला तो वो मंदिर भी बनवाए, उनको मौका मिला 370 भी हटाए। आपने भी अच्छे काम किए, मैं वो शख्स नहीं हूं कि पिछले 30 साल में मंडल की लड़ाई ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सत्ता में कुछ नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब लखनऊ से नोएडा जाता हूं तो हर सामंतवाद पूंजीवाद की छाती पर चढ़कर बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार की मूर्तियां जब खड़ी दिखती हैं तो मुझे आत्मविश्वास मिलता है ये काम किया था उन्होंने। उतनी बड़ी मूर्ति बनवाने वाले लोगों को अपमान नहीं झेलना पड़ा और हमारे लोगों को अपमानित कर दिया। साहब आपने सड़क बनाई, आपने पार्क बनाया, आपने बहुत विकास किया, उसका लाभ लेने वालों ने ही आपको टोटी चोर बना दिया। ये आलोचना है मेरी और मैं केवल ये आलोचना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मंडल के दिवस पर मंडल के लिए एक ट्वीट नहीं। साहब उत्तर प्रदेश आंदोलन की जमीन है, सड़क पर उतरिए और दो तीन बात करिए। मंडल की 40 अनुशंसाएं हम लागू कराएंगे, जाति जनगणना हम कराएंगे, 52% लोगों को आरक्षण दिया था आपके पुरखों ने, राम नरेश यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, दोनों ने आरक्षण दिया था और बिहार में कर्पूरी ठाकुर से लेकर के बाद के लोगों ने आरक्षण दिया। कहां गए वो लालू और कहां गए वो मुलायम जिन्होंने याद किया था। लालू प्रसाद का तेली महासभा का भाषण मुझे याद आता है कि जतरा देखते थी माए, हमारे यहाँ पंडा पुरोहित आजकल बताते हैं शिव चर्चा हमारी यादव बस्ती में हो रही है भाई। और मैं तो आजमगढ़ से आया हूँ, आजमगढ़ को कहा गया कि समाजवाद की जमीन थी और इस बार उन्होंने ऐसा सांसद चुन दिया है कि आप जाके कहते रहिए कि हमारा वो किला था। आप सोचेंगे नहीं ठहर करके कि आपके साथ क्या हो रहा है? आप कब सोचेंगे, आप कब सोचेंगे कि आपके उस आजमगढ़ की सरजमी पर एक जमाने में कम्युनिस्ट आंदोलन चला था, एक जमाने में समाजवाद का आंदोलन चला था। आइए लोहिया को ही याद करें, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होते हैं, अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। और उस समाजवादी आंदोलन का नारा था, मुझसे लोग कहते हैं तुम कैसे बोल लेते हो, यही बात अपनी खत्म करूंगा, आप लोग हिम्मत देते हैं तो हम बोलते हैं मगर हमें नहीं पता कि हम कितने दिन बोल पाएंगे। सच बात यह है, मैंने कुछ से लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कहा नहीं साहब, जिस बात को बोलने में लोग सब कुछ रहे हैं डर रहे हैं हम बस वही बोल देते हैं। और मेरे जैसे लाखों लोग इस देश में हमसे अच्छा लड़ाई हमसे बेहतर लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन हम सब बिखरे हुए हैं। हम जैसे एक हो जाएं और एक होने के लिए मैंने वो सूत्र दिया था, जैसे आदिवासी इलाके में गया और आदिवासियों ने मुझसे कहा हमारा देवी देवता अलग, हमारी पूजा पद्धति अलग, हम प्रकृति के पूजक हैं, हम फसल की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और कुछ लोग अभी आए हैं वो कहते हैं कि तुम हिंदू हो। हम कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था में ही हम तुम्हारे नहीं आते क्योंकि हम आदिवासी हैं, हम कोई हिंदू नहीं है। वहां से मुझे एक सूत्र मिला जिसे मैंने अंबेडकर और फूले से जोड़ा तो यह समझ में आया कि इस मुल्क की 52% आबादी जो अब तकरीबन 60% होगी वो ओबीसी जातियां वर्ण व्यवस्था के फ्रेम में तो फिट ही नहीं है क्योंकि उन जातियों के पास हर तरह का काम करने वाले लोग थे। इसलिए अगर कोई सूत्र कहता है तो लोग नाराज होते, ओबीसी के लोग नाराज हो जाएंगे, भाई साहब चलिए गांव में ईमानदारी से सच बात कहिए, हम कन्विंस लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, जो जय भीम बोलता है उसके सामने जय भीम बोलते हैं और खुद को अच्छा लगता है, मैं भी अच्छे अच्छे भाषण दे रहा हूं। मैं अपने गांव में जाता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि ओबीसी और एससी के बीच जो रिश्ता नहीं है वो क्यों नहीं, मगर खुशी होती है कि मेरी पीढ़ी और मेरे आगे की पीढ़ी के नौजवानों ने जो काम किया था अब रिश्ता बन रहा है। अंबेडकर की जयंती ओबीसी भी मना रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं ओबीसी को वर्ण व्यवस्था में फिट किया गया,
जब हम वर्ण व्यवस्था को खारिज करते हैं तो जबरदस्ती किसी को शुद्ध क्यों बनाना। मैं फिर से कह रहा हूं, श्रमजीवी शब्द जगदेव बाबू का, अर्जक संघ का अर्जक शब्द, कमेरा शब्द चौधरी छोटू राम सोनेलाल पटेल का, वंचित शोषित शब्द वामपंथी समाजवादी आंदोलन का, आइए कोई भी एक शब्द चुन ले, 90% की एका बनाए। जिन जातियों की संख्या ज्यादा है हो सकता है वो जातियां मजबूती से अपने को बचा ले, जिनकी कम है वो क्या मारे जाएंगे? जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आइए ओबीसी समाज के ताकतवर लोगों कर्म कांड के विरोध में, वो शिव चर्चा वाली बात यही खत्म कर दूंगा, हमारे गांव में गए आज से 15 साल पहले, 15 लोग सरकारी नौकरी में थे, ज्यादातर ओबीसी हैं, 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे और कांवड़ धोने कोई नहीं जाता था। इस बार 15 साल बाद 0 लोग सरकारी नौकरी में हैं और 15 लोग कांवड़ धोने गए, ये बदलाव आ गया। मुझे चिंता है कि वो देश लूट कर अपने बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति बनाकर प्राइवेट शिक्षा दे रहे हैं और हमारे बच्चों के सरकारी स्कूल सरकारी विश्वविद्यालय अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिए गए हैं। मंडल की लड़ाई, संविधान की लड़ाई यहां जाकर दम तोड़ रही है साथियों। अब बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ने की बजाय एक मुद्दे पर, और डीके थापड़े बाम सेव के संयोजक थे, उन्होंने कहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जवाब सामाजिक ध्रुवीकरण होता है। जातियों की गोलबंदी और जमात में तब्दील करना, जाति को जमात में तब्दील करें, ओबीसी को एससी के साथ जोड़े, एससी को अपने साथ जोड़े, क्योंकि विभाजन रेखा में सब आप खोजते हो हमसे नीचे कौन है उसका मजाक बनाओ, और ओबीसी का मजाक मत बनाना। कल मैं एक कार्यक्रम में अपने जिले में था, एक हमारे मित्र थे बहुत अच्छा, जय भीम बोले, पड़ोसी ने उससे कहा कि साहब ये जय भीम भी बोलते हैं और हनुमान के भक्त भी हैं, तो समझाइए इनको। हमने कहा कि देखो अगर ये हनुमान के भक्त ही रह गए होते तो यहां ना आते, अब दूध में नींबू पड़ गया है, हटना तय है, अपने आप हनुमान बाहर जाएंगे। ओबीसी समाज के लोगों आपस में तराजू लेकर मत घूमना, कौन प्योर अंबेडकरवादी है कौन प्योर लोहियावादी है, प्रेम से समझाने की जरूरत है, कटार लेकर दौड़ने की जरूरत नहीं कि तुमसे पवित्र और शुद्ध हम हैं। आइए थोड़ा दिल बड़ा करके जोड़े, रिश्ता जोड़े, वरना नहीं बचेंगे। हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। और इसलिए मैं 3 जातियों को नाम लेके कह रहा हूं, अहिर कुर्मी कोयरी, ये 3 जातियां अगर मजबूती से मंच लगाओ साहब, अगली बार कार्यक्रम करना मैं श्रोताओं में बैठा रहूंगा, और यहां कोई कुम्हार लुहार बढ़ई नाई मोची उनके घर के नौजवानों को ले आइए, हम उन्हें आगे करें, हम खुद पीछे रहकर कंधा दें। 90% लोग जिस दिन ये सीख लेंगे तब जाकर के ये काम होगा। और जाते जाते केवल अपील, मुझे पेरियार ललई सिंह यादव याद आ रहे हैं, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। अगर कमजोर बनेंगे तो बारी बारी नंबर आएगा, आज मुसलमान मारा जा रहा है हमको लगता है हम नहीं बोल रहे, कल हमारे नीचे मारे जाएंगे, दलित मारे जा रहे हैं, इंद्र मेघवाल मारा गया 8 साल का बच्चा जाति के नाम पर, रोहित गमला मारा गया, हमारे लोग मारे जाते रहेंगे, हम बिखरे रहेंगे। नवाज देवबंदी ने लिखा, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आप। मेरे साथियों आपने जो सम्मान दिया, मैं अपनी जन्मभूमि से चलकर अपनी कर्म भूमि में आया था इलाहाबाद, मेरी मुझे रचा है इस इलाहाबाद ने, मैं अपने भीतर जब भी बोलता हूं, बहुत बोल दीक्षांत भाषण वो प्राचीन छात्र भवन की याद आती है, तमाम लोग जो क्रांतिकारी लोग हैं वो जहन में याद आते हैं,
इस क्रांति की जमीन से इस बार भी थोड़ी ऊर्जा लेकर जा रहा हूं और दिल्ली लौटकर ये भरोसा रखना चाहता हूं कि अगर कमंडल को कोई हराएगा तो मंडल हराएगा। सब फूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। ये करके हम आपसे हिम्मत लेकर जा रहे हैं, आपसे जज्बा लेकर जा रहे हैं, आपसे ताकत लेकर जा रहे हैं। जालिमों के जुल्म के सामने बिना डरे, जैसे फूले लड़े, जैसे अंबेडकर लड़े, जैसे लोहिया लड़े, जैसे कांशीराम लड़े, जैसे मंडल लड़े, जैसे कबीर रैदास लड़े, जैसे तथागत बुद्ध लड़े, हम सब मिलकर वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।